गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 9 है और ये आपके फिजिक्स पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर आता है। यानी फिजिक्स पार्ट 2 में ये स्टार्टिंग चैप्टर हुआ और वैसे आपका सिक्वेंस में चलते हैं तो चैप्टर नंबर 9 है। काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी, इन शॉर्ट हम इलास्टिसिटी बोल देते हैं, और वैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। यानी आपका जो बुक में चैप्टर का नेम है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, बट इन शॉर्ट हम इसको इलास्टिसिटी ही बोलते हैं क्योंकि हम ज़्यादातर चीज़ें इलास्टिसिटी के आसपास ही पढ़ते हैं इस चैप्टर में, इसलिए हम इलास्टिसिटी भी बोल देते इस चैप्टर को। अब ये चैप्टर तो एक बेसिक हुआ 11th में, बट इसकी एप्लीकेशन इंजीनियरिंग लाइन में बहुत बहुत ज़्यादा है। पूरा सिविल इंजीनियरिंग आप देखेंगे इस चैप्टर के इर्द गिर्द चलता है, कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग इस पर चलता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप आ जाओगे तो जितनी भी मशीनरीज की डिज़ाइन होती, जितनी भी मशीनरी, चाहे वो ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, हवाई जहाज़ हो, चाहे वो आपका रोबोट हो, चाहे वो आपकी क्रेन हो, चाहे वो जहाज़ हो, फाइटर प्लेन हो, कुछ भी हो, सब में इस चैप्टर का नॉलेज, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इलास्टिसिटी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इसका नॉलेज हर जगह यूज होता है। इस पर बहुत सारी ब्रांचेज बन गई हैं इंजीनियरिंग में। ये इतना वास्ट टॉपिक है कि इस पर कई ब्रांच निकली हुई हैं इंजीनियरिंग में, तो आप सोचो कि कितना इम्पोर्टेंट होगा। अब यहाँ पर तो हम जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और इंट्रोडक्शन में भी हम इलास्टिसिटी पढ़ते हैं और जनरल एप्लीकेशन पढ़ते हैं इलास्टिसिटी के। तो हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी आखिर है क्या चीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्चू ऑफ विच इट हैज़ टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या मतलब हुआ कि आप किसी ऑब्जेक्ट में एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते थे, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इसमें आप फोर्स लगा के और इसके शेप को बदल देते हैं। जैसे फुटबॉल है, उसको आप दबा देते हो और हटा देते हो फोर्स, तो क्या होता है, फुटबॉल फिर से अपने शेप को अक्वायर कर लेती है। तो जो फोर्स शेप को चेंज करता है, जिस फोर्स के कारण किसी मटेरियल का शेप चेंज होता है, उस फोर्स को हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है इस चैप्टर में, आपको ध्यान रखना होगा व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू चेंज शेप और साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जब आप उसको अप्लाई करते हो तो वो जब तक अप्लाई होता है तो शेप एंड साइज में जो चेंज आता है तो आप एक्सटर्नल फोर्स को कहोगे डिफॉर्मिंग फोर्स। फॉर्म को क्या करता है, चेंज कर देता है, इसलिए डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेते हो तो फिर से अपने शेप को रिगेन कर लेती है बॉडी, हमेशा नहीं होता बट यूजुअली ऐसा होता है, वो शेप को रिगेन कर लेती। अगर रिगेन कर लेती है, इसका मतलब बाहर की ओर फोर्स लगा है, आपने अंदर की तरफ एक फोर्स लगाया तो आपने शेप को चेंज कर दिया, आपने फोर्स हटा दिया तो शेप फिर से ऐसा हो गया। मतलब बाहर की ओर ऑटोमेटिक मटेरियल के थ्रू एक फोर्स लगा है और जो कि उसको उसके ओरिजिनल शेप में ले आया। तो मटेरियल के कारण जो फोर्स लगता है डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक फोर्स कहते हैं। क्या कहेंगे उस फोर्स को, आप इलास्टिक फोर्स कहोगे, यानी मटेरियल के इलास्टिसिटी के कारण, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी के कारण जो फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स का अपोज करता हुआ ओरिजिनल कन्फिगरेशन यानी कि ओरिजिनल शेप एंड साइज पे ले आता है, तो उसको आप क्या कहते हो, इलास्टिक फोर्स कहते हो। इस चैप्टर में हम इलास्टिक फोर्स या प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी ही पढ़ेंगे। तो इलास्टिसिटी क्या हुई, इलास्टिसिटी एक मटेरियल, कोई भी मटेरियल है उसकी एक प्रॉपर्टी हुई, और जिस प्रॉपर्टी की वजह से ही मटेरियल अगर एक्सटर्नल फोर्स को हटा दें तो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को अक्वायर कर लेता है, इन शॉर्ट अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर कर लेता है। तो इलास्टिसिटी ही वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण कोई भी मटेरियल अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है आफ्टर रिमूविंग
डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद इलास्टिसिटी के कारण ही मटेरियल अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर पाता है। अब इसमें दो तीन छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं, जिसमें एक तो इलास्टिसिटी हुआ, एक डिफॉर्मिंग फोर्स हुआ। आप समझ गए, डिफॉर्मिंग फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स होता है जो टेम्परेरली शेप एंड साइज को चेंज कर देता है। इलास्टिसिटी क्या है? प्रॉपर्टी है मटेरियल की। देन इसके बाद कुछ वर्ड आते हैं, जैसे इलास्टिक बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी है। तो इलास्टिक बॉडी, वो सभी बॉडी इलास्टिक होंगी जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अपने शेप एंड साइज को अक्वायर कर लेती हैं। तो क्या हुई इलास्टिक बॉडी? वो सारी बॉडीज, सारे ऑब्जेक्ट जो कि अपने शेप एंड साइज को अक्वायर कर सकते हैं आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दो, कितना ही क्यों ना फोर्स हो, अगर बॉडी अपने शेप एंड साइज को बार बार अक्वायर कर लेती है तो आप कहोगे इलास्टिक बॉडी है, बल्कि कहोगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। बाकी परफेक्टली इलास्टिक तो नेचर में कुछ होता नहीं है। नेचर में परफेक्टली इलास्टिक के नज़दीक जब जाते हो तो आपको क्वार्ट्ज मिलता है, आइवरी यानी हाथी का दांत होता है, सबसे ऊपर होगा क्वार्ट्ज, देन इसके बाद आपका आइवरी आएगा, स्टील भी होगा बट उससे नीचे होगा स्टील, रबर नहीं होगा। ध्यान देना, रबर आप समझते हो इलास्टिक होता है, खूब उछलता है, लेकिन रबर जो होगा वो स्टील से, आइवरी से एंड आपका क्वार्ड से कम इलास्टिक होगा। इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, अभी हाल फिलहाल बता दिया कि ऊपर होगा क्वार्ड्स। तो इलास्टिक बॉडीज़ क्या होती हैं? थ्योरेटिकली परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का मतलब हुआ कितना ही डैमेज कर दो शेप में, जैसे ही फोर्स हटाओगे वो फिर से रिगेन कर लेगा। अब ऐसा तो दुनिया में कुछ है नहीं कि कोई भी आप ऑब्जेक्ट लो और उसमें खूब फोर्स लगा के डैमेज करो और फोर्स हटाओ तो फिर से वैसा हो जाए, ऐसा कुछ भी दुनिया में नहीं है। कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, जहाँ चेंज होगा यानी आपने फोर्स लगाया और थोड़ा बहुत चेंज हो गया, तो चेंज को हम फिर स्ट्रेन वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे। वैसे परमानेंट फिट भी एक वर्ड है और एक वर्ड आता है स्ट्रेन, ये दोनों डैमेज को लेके वर्ड बने हुए हैं। तो स्ट्रेन को हम ज़्यादा पढ़ते हैं, परमानेंट फिट को हम कम पढ़ते हैं। परमानेंट फिट यानी कि परमानेंट फिट ही हो गया, वो जो चेंज होना था हो गया कंप्लीट, ओरिजिनल शेप बदल के एक नया शेप आपको मिल जाता है, तो परमानेंट फिट कहते हैं। और जितने का चेंज हुआ और अपॉन जितना था रेशियो निकालते हैं तो स्ट्रेन मिलता है हमको, ये हम स्ट्रेस स्ट्रेन बाद में पढ़ेंगे। तो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स पढ़ा, इलास्टिसिटी पढ़ा, इलास्टिक बॉडी पढ़ा, वो सारी बॉडीज इलास्टिक हैं जिनमें डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वो अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेती हैं। फिर नेक्स्ट टर्म आती है इस चैप्टर में प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी एक्चुअली जस्ट अपोजिट है इलास्टिक बॉडी से, यानी प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, और प्लास्टिसिटी ठीक उल्टा है, मतलब बिल्कुल ही रिगेन ना करे। फोर्स लगाओ, डैमेज हुआ, फोर्स हटाया, बिल्कुल ही रिगेन ना करे तो कहोगे प्लास्टिक बॉडी है। अब यूजुअली आप लोग प्लास्टिक से समझते हो रबर, प्लास्टिक आप देखते हो प्लास्टिक की बॉल होती है और वो छलती है, आप ऐसे मानते हो रबर है। रबर और प्लास्टिक में अंतर है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लास्टिक जो होगा बिल्कुल ही अपने शेप को रिगेन नहीं करेगा, जैसे च्युइंगम हुआ, च्युइंगम को खींच दो तो बस खींच गया, वो वापस से सिकुड़ता नहीं है। मड हुआ, कीचड़, कीचड़ को आप डैमेज एक बार कर दो फोर्स लगा के, थोड़ा भी रिगेन नहीं करता। तो ये जो हुए एक तरीके से परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के नज़दीक हुए। परफेक्टली प्लास्टिक भी होता तो नहीं नेचर में, लेकिन फिर भी हम मड को मान लेते हैं कि जो मड है, पुट्टी है, ये लगभग नियर टू परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है। तो प्लास्टिक बॉडी क्या हुई? प्लास्टिक बॉडी हुई जो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद शेप एंड साइज को रिगेन ना करे। अब आता है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट में परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है आपका स्ट्रेस। अब स्ट्रेस आपकी दो तरीके से वर्क करेगी इस चैप्टर में। अब आप कहोगे सर ये प्रेशर भी तो होता है, प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया अपन निकालते हैं,
वो जो प्रेशर है वो प्रेशर एक अलग चीज़ है, वो गैसेस के लिए होता है प्रेशर, या लिक्विड के लिए होता है, ये सॉलिड के लिए हम पढ़ रहे हैं। यानी सॉलिड में आपने फोर्स लगाया तो प्रेशर ठीक है लग रहा है, बट यहाँ पे स्ट्रेस वर्ड आएगा फोर्स, यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कितने एरिया में लग रहा है डिवाइडेड बाय दैट एरिया हम करते हैं इसमें। तो हमेशा फोर्स हम कंप्रेस ही नहीं करते, कभी कभी हम खींचते भी हैं। जैसे आप रॉड को कंप्रेस भी कर सकते हो और रॉड को आप खींच भी सकते हो। तो अब दो तरीके की यहाँ पे स्ट्रेस हो जाएगी, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी, जब आप कंप्रेस करोगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी, और जब आप उसको खींचोगे उसके लेंथ के लॉन्ग तो वो हो जाएगी आपकी टेंसाइल स्ट्रेस। यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी टेंसाइल स्ट्रेस। फिर स्ट्रेस और भी हैं, थर्मल स्ट्रेस भी आएगा, वो हम जिक्र कर लेंगे बाद में। टेम्परेचर के कारण कोई चीज़ सिकुड़ती है या बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे तो एक्सपांड होती है, तो वहाँ पे थर्मल स्ट्रेस भी वर्ड आता है। बट अभी आपको हाल फिलहाल समझना है टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। और एक स्ट्रेस और होती है किसी चीज़ को मरोड़ना, जैसे वायर है और उसको ट्विस्ट करो आप, तो आप टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं उसमें, टेंजेंशियल। तो इस केस में आपके शियरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस वर्ड आता है। जब किसी चीज़ को आप मरोड़ते हैं या घुमाते हैं पकड़ के, तो जब आप पकड़ के पूरा उसको घुमाते हैं, ट्विस्ट करते हैं, तो इस बार जो आपकी स्ट्रेस हुई यानी जो फोर्स हुआ वो टेंजेंशियल लगता है। तो इसलिए इस स्ट्रेस को हम शियरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। तो आपके इस चैप्टर में मेनली आप देखोगे दो ही स्ट्रेस लगेगी, एक तो आपकी लगेगी क्या लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, यानी कि टेंसाइल हो जाएगी उसमें या कंप्रेसिव हो जाएगी, ठीक है, और दूसरी आपकी क्या हो जाएगी कंप्रेसिव एंड टेंसाइल के अलावा शेयरिंग हो जाएगी, कोई चीज़ में जैसे मरोड़ लग रही हो तो शेयरिंग हो जाएगी। हम इसमें इतना ही पढ़ते हैं। अब इसके बाद इसमें कुछ कुछ छोटे वर्ड्स और आते हैं आपके, कि इलास्टिसिटी की अप्लीकेशन में एक क्वेश्चन आता है आपका, बहुत कॉमन होता है, कि इलास्टिक फटीग क्या है एंड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, ये दो वर्ड और आते हैं इस चैप्टर में। तो इलास्टिक फटीग जो है, इलास्टिक फटीग कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी में टाइम के साथ डिके आता जाता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कम होती जाती है कोई भी मटेरियल की, तो इस चीज़ को हम कहते हैं इलास्टिक फटीग। फटीग यानी थकावट या कोई भी चीज़ में उसकी एफिशिएंसी में कमी आ जाना टाइम के साथ, उसको हम कहते हैं फटीग। तो इलास्टिक फटीग कब होता है, जैसे कोई ब्रिज है, उसको बनाया इंजीनियर ने, डिजाइन किया, उसकी इलास्टिसिटी वगैरह सब मेजरमेंट लिया और मैं लिख दिया ये इतना वजन ढो सकती है, इससे ज़्यादा वजन इसमें अपने को नहीं डालना है, ये सारी चीज़ कैलकुलेट कर दिया, लेकिन एक दिन तो ब्रिज गिर जाता है। ऐसे बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग बनाते तो एक टाइम आता है बिल्डिंग भी गिर जाती है, उसके पिलर्स में वो पावर नहीं रहती कि बिल्डिंग को वो स्टैंड कर सके। तो यानी कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो डिके हो जाती है, कम हो जाती है, और वो कोलैप्स हो जाती है बिल्डिंग, ब्रिजेस कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये इलास्टिक फटीग के कारण ही ये चीज़ होता है। यही है कि ब्रिजेज में जो आर्मी होती है तो एक साथ कदम मिला के नहीं चलती, सिंपल नॉर्मल इंसान की तरह चलते हैं वहाँ पे। एक साथ अगर आप चलोगे तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा, फिर आप हटाओगे, फिर एक साथ रखोगे, फिर डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उसमें जो वाइब्रेशन होगा उस वाइब्रेशन के साथ साथ आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और वो हो सकता है कि इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाए। इलास्टिक लिमिट क्या है, इलास्टिक लिमिट वो मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स है, यानी कि जिससे ज़्यादा अगर आप फोर्स लगा दोगे तो वो अपने शेप को कंप्लीट अच्छे से रिगेन नहीं कर पाएगी बॉडी। यानी इलास्टिक लिमिट एक तरीके से स्ट्रेस की वो मैक्सिमम वैल्यू है, जहाँ तक कि ऑब्जेक्ट अगर वो स्ट्रेस हटा दो यानी वो फोर्स हटा दो तो अपने शेप को रिगेन कर ले, और अगर आप इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो उसमें परमानेंट सेट डेवलप हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेन क्रिएट हो जाएगी। तो बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रिजेज हैं उनमें इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए, अगर वो लोड हुआ तो वो क्या होंगे, उनमें परमानेंट फिट डेवलप होगा, यानी स्ट्रेन डेवलप होगी। सरल शब्दों में कहें
कि उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी वो खोना चालू कर देगी और ब्रिज जल्दी गिर जाएगा। तो ब्रिज का एग्जांपल हुआ, ऐसी आप वायर है, कई बार ऐसे ऐसे वायर को आप घुमाओ, घुमाते 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 एक टाइम आता है कि वायर टूट जाता है। दो बार चार बार में नहीं, 50, 100 बार, 200 बार ऐसे बार 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 आप मोड़ोगे वायर को, तो आप पाओगे एक टाइम के बाद वायर टूट जाता है। ये भी इलास्टिक फटिग का ही एग्जांपल है, क्योंकि बार 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 कम रिपीटेड डिफॉर्मिंग फोर्स जब आप लगाते हैं, ठीक है, तो वो उसको रेस्ट नहीं मिल पाता एक प्रॉपर, तो वो रेस्ट ना मिलने से वो अपनी इलास्टिसिटी को स्टोर नहीं कर पाता, यानी कि इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है उसको अक्वायर नहीं कर पाता, अपने शेप को अक्वायर नहीं कर पाता, और उसमें धीरे धीरे इलास्टिसिटी कम होते 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 और वो एक टाइम के बाद टूट जाती है। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट में आप क्या देखते हैं कि इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट में आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और आपने हटाया तो तुरंत ही अपने शेप को रिगेन नहीं करती, थोड़ा डिके हो जाता है, उसमें टाइम डिके आता है, यानी रिगेन तो करती है बट स्लोली स्लोली, जैसे आप स्प्रिंग को दबा दो और हटा दो फोर्स, तो स्प्रिंग धीरे से अपने शेप को रिगेन करेगी। तो ये धीरे से क्यों करता है, उसमें टाइम का थोड़ा सा डिके आता है, रिगेन करने में उसको टाइम का थोड़ा सा डिके आता है। बस इसी चीज़ को हम क्या कह देते हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बोल देते हैं, कि इलास्टिसिटी के कारण वो अपने शेप को रिगेन करता है बट उसमें टाइम डिके आता है। अब जब आप इस टाइम डिके के बीच में फिर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगा देते हैं तो वो फिर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के कारण वो रिगेन तो कर नहीं पाया और फिर से उतना ही आपने डैमेज कर दिया, फिर हटाया फिर से डैमेज कर दिया, तो धीरे 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 इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कम होती चली जाती है, तो ये इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट हो गए। ये आपके इस चैप्टर के कुछ डेफिनेशंस हुई। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी आखिर होती क्यों है, यानी इलास्टिसिटी जो हम पढ़ रहे हैं ये कैसे वर्क करती है। जब हम किसी चीज़ को दबाते हैं तो बाहर की ओर फोर्स लगता है, इलास्टिक फोर्स लगता है, जब हम खींचते हैं तो अंदर की ओर लगता है उसमें इलास्टिक फोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करती है इलास्टिसिटी। तो इसको हम स्प्रिंग मॉडल से समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि इलास्टिसिटी को समझना है तो आपको स्प्रिंग मॉडल को फॉलो करना होगा। ये स्प्रिंग मॉडल क्या है, ये हमने लिया है, मान लो आयरन का एक टुकड़ा है, आयरन की रॉड है, कोई भी सॉलिड है, तो सॉलिड आप जानते हैं एटम से बने हुए होते हैं, और जो एटम्स होते हैं उनका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर का एक छोटा सा पोर्शन लिया है जहाँ के 8 एटम्स आपस में मिलके और एक यूनिट सेल जैसा क्रिएट कर रहे हैं, जैसे 1 एटम 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए, इनको आप 8 बॉल मान लो जो कि पास में आपस में एक दूसरे के क्लोज है, 2 और ये 2 4 और फिर ऊपर 4, ये 4 मिलके ऐसे जुड़े हो, 4 नीचे और 4 ऊपर, ये आपस में कांटेक्ट में हैं, और ऐसे ही फिर आप इस चेन को बढ़ाते जाओ तो कंटिन्यू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। अब जब आप फोर्स लगाते हो तो स्प्रिंग को आप ज़रा गौर से देखो, स्प्रिंग को जब आप दबाओगे, स्प्रिंग को दबाओगे तो डिफॉर्मिंग फोर्स कंप्रेशन का है, जैसे ही आप हटाओगे तो ये रिगेन करेगा, यानी इलास्टिक फोर्स इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट लगेगा, ठीक है, यानी स्प्रिंग क्या करेगी, एक्सपांड करेगी। ऐसे जब आप इसको खींचोगे तो डिफॉर्मिंग फोर्स आपका बाहर की साइड होगा, तो इलास्टिक फोर्स इसमें अंदर की साइड होगा, यानी अपोजिट टू डिफॉर्मिंग फोर्स। तो स्प्रिंग से हम जैसे समझते हैं, स्प्रिंग को आप एक्सटेंड करोगे, खींचोगे तो इलास्टिक फोर्स अंदर की ओर लगेगा, और जब आप उसको कंप्रेस करोगे तो इलास्टिक फोर्स बाहर की ओर लगेगा। बस ठीक ऐसे ही मटेरियल में होता है, मटेरियल के मॉलिक्यूल्स या मटेरियल के जो एटम्स होते हैं एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं, जब आप उनको दबाते हो तो बाहर की ओर फोर्स लगता है, जब आप उनको खींचते हो तो अंदर की ओर फोर्स लगता है, ले दे के वो फोर्स उसी शेप एंड साइज पे पहुंचाना चाहता है जहाँ पे ओरिजिनली बॉडी होती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इलास्टिसिटी का जो फोर्स होता है वो कैसे बार बार शेप को रिगेन करने में हेल्प करता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे पढ़ेंगे।